शांति से ले ली, कोई आंधी तूफान वगैरह नहीं था, तो ये भी एक अच्छा रहा। दूसरा, अभी जो नहरबंदी चल रही है, आप सब लोगों से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि नहरबंदी का मतलब है कि वो जो नहर में अभी साफ सफाई चल रही, अगर ये साफ सफाई नहीं धंधे होगा तो आज रामगढ़ थाना परिसर में आगामी त्योहारों आखा तीज एवं ईद उल जुहा को लेकर सीएलजी सदस्यों की मीटिंग ली गई। मीटिंग के दौरान काफ़ी संख्या में आम सदस्य शामिल हुए। सदस्यों के साथ विचार विमर्श और आगामी त्योहार पर भाईचारे और प्रेम से त्योहार मनाने और किसी भी प्रकार की अशांति पैदा होने पर तुरंत स्तर पर चीज बताने के लिए बातचीत हुई। सब लोगों ने अपने हिसाब से, जैसे बच्चियाँ स्कूल से छुट्टी होने के बाद कुछ लड़कों के द्वारा मोटरसाइकिलों वाला द्वारा परेशान करना, कुछ शराबी लोग हैं जो टाइम बे टाइम आम तौर पर घूमते रहते हैं, उस संबंध में भी लोगों द्वारा कुछ शिकायतें की गई, जिसके संबंध में आगामी टाइम में त्वरित कार्रवाई करके इस तरह की समस्याओं पर तुरंत काबू पाया जाएगा और आगामी त्योहारों पर पुलिस जाब्ता समय पर लगाकर कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के भरपूर प्रयास किए जाएंगे। इस संबंध में सीएलजी सदस्यों और आमजन को मन थानाधिकारी और स्टाफ द्वारा विश्वास एवं भरोसा दिलाया गया। उसके बाद साथ ही साथ सुरक्षा सखी की भी मीटिंग रखी गई, जिसमें माताएं बहनें भी मीटिंग में शामिल हुई और उनके द्वारा भी जो कुछ समस्याएं रखी गई उसके बारे में त्वरित कार्रवाई की गई।